मकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गृष्णेशं च शिवालये सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन ओम कस्तूरी तिलकम। इसको दे दीजिए तो दरवाजे में लगा दें, भैया को दे दीजिए। अरे इसको बढ़िया एकदम दरवाजे में एकदम बिंदास ऐसे करिएगा। क्या करेंगे दरवाजे में दोनों तरफ वो करेंगे ना, और बीच में फिर धागा लगा के ऐसे ऐसे मतलब ठीक है ना। हाँ तो आज तिथियों से मेरी बर्थडे है, क्योंकि तिथि मतलब हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हाँ छठ, हमेशा तीज के बाद जो छठ आती है राखी के बाद कोई भी राखी के बाद तो डेट्स चेंज होती रहती है। सो राइट नाउ इट इज द 5th ऑफ सितंबर एंड इट्स माय स्टिल माय बर्थडे, सो आई एम सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे। और इस बार मम्मी ने क्या बढ़िया पूजा रखी है, ब्यूटीफुल मम्मी ने। हमारे पूज्य पंडित जी और ये इनकी टीम, ये भी हमारे प्यारे पंडित जी सारे, इतने शानदार तरीके से इतना आयोजन जो आपने किया है सच में कमाल। ये रहे हमारे, बहुत जल्दी हमारे बच्चों को संस्कृत सिखाने वाले हैं। देखिए वाह, आरती का खाली खाना, ये आरती का नहीं है, भगवान के बैठने के लिए। अच्छा सिंहासन, सिंहासन देख बनाया है आरती के लिए। हरि ओम श्री सते लक्ष्मी पंडित जी। अभी हमने गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और शिव जी की स्थापना की, नहाया, उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाए, और ये देखिए हमने यहाँ पर विराजमान करवाया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये भोजन है उनका? जी जी, अरे जो है तो नैवेद्य फल और जो है तो आपकी माता जी जो है तो बढ़िया की क्या बात है, हलवा प्रसाद है और सभी देवी देवताओं के पास देखिए 5 प्रकार के फ्रूट्स फल रखे हुए हैं, तो उनको जो है तो नैवेद्य ग्रहण करवाएंगे कि हे प्रभु आप इस नैवेद्य को जो है तो आंख में पर्दा करना है, राइट से भगवान को 5 बार ऐसे भोग लगाना है कि हे प्रभु आप जो है तो जो भी नैवेद्य रखा हो, नहीं तो पर्दा क्यों कर रहे हैं हम, ग्रहण करनी है भोजन जी जी कोई भी भोजन शयन। ओम पुनः ओम प्राणाय नमः, पानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमो नमः, भोज्यताम 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 परमेश्वरः। तो जब भी हमारे यहाँ पूजा होती है बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि ये जो भी आपने देखा कि हम यहाँ पर आंखें हम बंद कर देते हैं और भगवान को जो है हम एकदम सीक्रेटली उनको यू नो इट्स एक अलग से उनका खाना ग्रहण होता है। जैसे हमेशा हमने देखा भी है मंदिरों में कि पर्दा लगता है वो भोजन कर रहे हैं, यू कैन नॉट वॉच, यू कैन नॉट वॉच, दैट्स सो ब्यूटीफुल सो स्वीट। ये हमारे टैलेंटेड पंडित जी, क्या बढ़िया लिंग बनाया, वाह गुरुजी लोगों को जल। हाँ अरे ओ आ जाओ तो पहले हमारी गणपति जी की और लक्ष्मी जी की स्थापना हुई, गणपति जी को, गणेश जी को हमने खुश किया। जैसे ही जब पूजाएं शुरू होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर उसके बाद हमने रुद्र अभिषेक किया, क्या बात है। और हम करने जा रहे हैं अब
हवन करेंगे। क्यों पंडित जी? मजा आ गया आज बर्थडे के दिन। ये पहली बार मेरी तिथि, बर्थडे के दिन पहली बार हमने अभिषेक करवाती थी वहां हाँ, जोधपुर में शिव जी का। अब मेरी मम्मी ने करवाया है। हरिओम नमः शिवाय। रुको एक सेकंड, इसको थोड़ा और मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ। हाँ चलो शुरू कीजिए। क्या बात है, बिजली हवन करना बहुत जरूरी है सबके घरों में। क्या क्या कहते हैं, है ना, ज्यादा जरूरी। अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज रहती है वो सारी खत्म हो जाती है एकदम। यू नो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन शुड डू हवन एंड पूजास इन द हाउस एटलीस्ट वंस अ ईयर एटलीस्ट। चलिए शुरू करते हैं। जात वेदः पुनीहिमा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवाहयाभ्यन्तरः। अच्छा हम है ना, ये जो है आहुति ऐसे क्यों लेते हैं? ये मृगी मुद्रा माना जाता है भगवान का जो है। तो तीन मुद्रा बताए गए हैं, ऐसे नहीं, ये तीन मुद्रा। ये जो होती है ये उंगली से मृगी मुद्रा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान का मृगी मुद्रा। मृगी भगवान का जैसे हाँ ये मृग हो गया ना, देखो ये मृग, तो ये मृगी मुद्रा हो गया है। तो और हंसी और सुकरी होता है, तो जैसे ये मृग का मुद्रा हो गया है, और जैसे ऐसे लेके किए तो ये हंसी हो गया, और सुकरी जैसे एकदम बहुत बड़ा जैसे कहीं बहुत बड़ी होती है ना, पंडाल थाली की थाली करते जाते हैं क्योंकि वो भरना पड़ता है ना। तो तीन मुद्राएं बताएंगे, पर विशेष जो है देवताओं की वो है मृग मुद्रा। क्योंकि हमारा एक भाव होता है कि भगवान जो है तो छोटे रूप में है, यहाँ पधारे हैं, हम उनका सेवा कर रहे हैं, तो उनको भोजन कराया है। तो जैसे छोटा छोटा चौंक दीजिए नीचे, आप भी बैठ जाइए यहाँ पे। ब्रह्मांड जो है तो ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत तीनों देवताओं का जो है आपको स्मरण करना है। हरि ओम मा ओम भूमि कूर्म अनंत देवताभ्यो नमो नमः। ब्रह्मणे नमो नमः। ओम विष्णवे नमो रुद्राय नमः। प्रतिष्ठा कर दीजिए। ओम मनो ज्योतिर्जुगतामासपतिमा नमस्कारा समर्पयामि। इधर जो है तो विशेष और कहीं पूजन में भगवान ब्रह्मा जी का पूजन नहीं होता, पर हम यज्ञ करते हैं तो दक्षिण के दिशा में भगवान ब्रह्मा जी का जब तक, क्योंकि जी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव। आ जाइए इसमें पूजा के लिए पानी दे दीजिए थोड़ा। पूजा